गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 से और मैं हूँ अभी अपने माउंटेन हाउस में। घर के सामने वाला ही पेड़ है, इस पे ऊपर चढ़ के देखते हैं, नज़र बनाते हैं थोड़ी देर। और ये जो कैनोपी थी कनिका दी ने हमें दी थी, ये कैनोपी खोल दी थी क्योंकि जब हमारे टीन उड़े थे तो ख़राब हो गई थी, ये खोल खाल के रख दी है। तो इसका कुछ ना कुछ हम यूज़ करेंगे, इसकी जो डंडियाँ बची हैं। चलो चलते हैं ऊपर। यहाँ से फर्स्ट स्टेप ये, फिर पकड़ा यहाँ, फिर यहाँ एक हाथ से ही ऊपर। आ चुका हूँ ऊपर। और ये जो सामने मोर देखिए, ये काफ़ी अलर्ट हुआ है, इसने अपनी गर्दन के सारे बाल एकदम गुच्छेदार बना रखे हैं। देखिए एकदम अलर्ट है। और इसके सांस के मोर है यहाँ पर। एक बार यहाँ से आपको 360 व्यू दिखाते हैं। ये हमारे लेफ्ट में ऊपर मेन हाईवे, जहाँ पर के प्लांट बना हुआ है, ये जो ब्रिज का काम चल रहा है उनका प्लांट है। और फिर इस तरफ को ये पूरा गांव आ जाता है इधर। ये हिमांशु का घर है और इधर बुआ जी का घर है। जब हाथी ने ये घर तोड़ दिया था तो उस तरफ को शिफ्ट हो गए थे। और इस तरफ को ये ग्राउंड जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और इस तरफ को पूरा रिवर साइड, और इधर हमारा घर, और ये पूरा 360 व्यू। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो अब इन पहाड़ियों में बादल लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं हल्के फुल्के, और उस तरफ को ज़्यादा लगे। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्लाउड्स ज़्यादा लगते हैं, तो इस तरफ को थोड़ा कम बारिश हुई थी, ऊपर पहाड़ों की तरफ ज़्यादा हुई थी। तो इन पहाड़ों पर भी बादल है। और हमारे सीधा ऊपर की साइड में मोहन, देखिए आपको मोहन दिखाता हूँ यहाँ से। ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये साविला है। तो यहाँ से जंगल शुरू होता है और साविला पे जाके जंगल ख़त्म होता है। बीच का टापू पूरा टाइगर टेरिटरी। इस तरफ को डियर आने लगे हैं बाहर। What are you doing? I am put the waterfall. Okay, you do? Yes. Look, I'm just flying. Oh wow. दोस्तों गुड़गांव से हमारे YouTube फैमिली मेंबर हैं अब्दुल जी, तो अभी हाल ही में आए हुए थे कॉर्बेट। तो उन्होंने देखा कि वीरू की गाड़ी पे लाइट ज़्यादा तेज नहीं है क्योंकि वॉर्म लाइट है, तो अभी उन्होंने ये LED लाइट्स भेजी हैं यहाँ पे कोरियर करके। DTTC कोरियर सेंटर है, वहाँ से भेजा है। तो ये लाइटें आज मैं खुद इनको इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए काफ़ी अच्छी हैवी लाइटें हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है 2 साल का। करते हैं इसको इंस्टॉल। ये लगा दी है लाइट, ये अंदर पैक कर दिया इसका जो एडिप्टर आया हुआ था। अब इसको करते हैं पैक। हो चुके हैं लाइट फिट। अब एक बार चेक करते हैं अभी, और एक बार चेक करेंगे रात में, फिर आपको दिखाएंगे।
आपने अलार्म तो सुन लिया है, शाम के बज चुके हैं 7:30। और ये जो अलार्म कॉल थी ये था, ये गुड नाइट वाले अलार्म होती है। जैसे हमारे घरों में मुर्गे होते हैं, मुर्गे सुबह शाम दोपहर जैसे आवाज़ करते हैं, कुकड़ी कू करते हैं, तो ये मोर ऐसे करता है। अगर सुबह होगी सुबह भी इस तरह का अलार्म होगा, और ये स्ट्रेस कॉल नहीं होती है, ये नॉर्मल अलार्म होता है इनका। तो एक बार आपको ऊपर छत से व्यू दिखाया जाए शाम का, और थोड़ा सा लाइट बढ़ाते हैं। आ चुका हूँ मैं छत पे, यहाँ से थोड़ा आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखें कितने सारे डियर आ चुके हैं यहाँ पर। ये सारे डियर खड़े हैं और एकदम नॉर्मल खड़े हैं। एक डियर उधर भी खड़ा, देखो अकेला। अब्दुल जी ने जो लाइटें दी थी हमको कुरियर करके, जो लाइट भेजी थी, उसका टेस्टिंग अभी होगा, वो आप देखोगे ऑन कैमरा कि किस तरीके से लाइट है। और अब चलते हैं शॉप, शॉप समेट के फिर आते हैं घर। रात को क्या एक्टिविटी रहेगी आपको एक बार दिखाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से आपको नाइट का नहीं दिखाया है, तो आज आपको नाइट के एम्बियंस भी दिखाई जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये है आज वाली लाइट का, और देखिए कितना गजब लाइट है। तो अब्दुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब्दुल जी ने लाइट हमारे लिए अरेंज करी और कोरियर करके भेजा, और अब हमने लगा दिया है और अच्छा फोकस दे रहा है। हो गई है कॉलिंग, एक मिनट बाहर हो रही है कॉल।
कॉल है लेकिन ये रियल कॉल नहीं लग रही है अभी। इसका रियल कॉल मैं आपको समझाता हूँ कि रियल कॉल कैसे होती है। जैसे ये ग्राउंड जो सामने ग्राउंड है, ग्राउंड से ये कॉल की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ से कम अभी 150-200 डियर बैठे हुए हैं क्योंकि वो रोज़ की तरह बैठते ही हैं, और इतने में से सिर्फ एक कॉलिंग कर रहा है। तो अगर वहाँ पे ख़तरा होता तो कम से कम 7-8-10-12-15 कॉल करते ही करते, ये सिर्फ एक कॉल कर रहा है, तो ये फेक कॉल होती है। रियल कॉल तब होती है जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों ये पार्सल भेजा है हमें प्रियंका जी ने, ये कुरियर आया था और इसमें जो है वो है ये उडन ट्रे, और ये उडन ट्रे है को गीला नहीं करना है और हल्के गीले कपड़े से या टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करना है क्योंकि ये प्लाईवुड का बना हुआ है और ये हैंड पेंटिंग है, ये हाथ से बनाया हुआ है, हैंडमेड है। इसमें माइलामेंट का कोट चढ़ा हुआ है, बाकी पॉलिश वगैरह। बहुत सुंदर ट्रे है और इसमें एक लेटर भी आया है। अगर किसी को भी अगर ये ट्रे चाहिए होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फिर हम प्रियंका जी से भी कांटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से आप तक ऑर्डर पहुंचाएं, तो ये ट्रे आप भी अपने लिए मंगवा सकते हैं। तो प्रियंका जी आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे भी भेजें कि आपने ये कहाँ से भेजे हैं, कौन से स्टेट से आप हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे पास ये ट्रे आए तो आए कहाँ से। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ट्रे है और इसमें जो आर्ट्स बनी है ये भी काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा।